और सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल में घंटी बज गई। अगला राउंड, अगले राउंड का ये सिग्नल। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, सबसे सटीक, सबसे बड़ा एग्जिट पोल। और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट, आम आदमी पार्टी 6 से 8 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 2 से 4 सीटें लेगी, कांग्रेस 0, अदर्स 0। ये पश्चिमी दिल्ली का एग्जिट पोल है। 10 विधानसभा की सीटें आती हैं पश्चिमी दिल्ली में, और पश्चिमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी 6 से 8 सीटें निकाल रही है एग्जिट पोल में, भारतीय जनता पार्टी 2 से 4 सीटें निकाल रही है। और ये सबसे सटीक एग्जिट पोल जिसमें आम आदमी पार्टी की बढ़त। अगला सिग्नल, और अब दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट, 10 विधानसभा की सीटें और इस एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी 7 से 8 विधानसभा की सीटें, भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2 से 3 सीटें निकाल रही है, कांग्रेस 0, अदर्स 0। ये दक्षिणी दिल्ली का डेटा है, एग्जिट पोल जो हमने आपके बीच से लिया है, समझा है कि आखिर दिल्ली का जनादेश किस करवट बैठ रहा है। तो यह है तस्वीर, यह दक्षिणी दिल्ली की तस्वीर। एक और सिग्नल, और अब जो सिग्नल हुआ है वो सिग्नल है नई दिल्ली लोकसभा सीट। नई दिल्ली लोकसभा सीट का ये एग्जिट पोल है जहां पर आम आदमी पार्टी 8 से 10 सीटें, बीजेपी यहां पर 2 सीटें निकाल सकती है। इस एग्जिट पोल में नई दिल्ली, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अपना विधानसभा क्षेत्र भी है, और इस विधानसभा क्षेत्र में 8 से 10 सीटें, संजय जी 8 से 10 सीटें ये हो गई। और हमने तो अब चूंकि 70 सीटों का बता दिया है, और 70 सीटों में फिर हम वहीं आ जाते हैं जहां 47 से 53 है। देखिए कमोबेश वही स्थिति है, और 47 से 53 की जो बात आपने जोड़ी थी वो कुल मिलाकर के उस तरीके से, अब ये बंटवारे की बात देखी जाए कि कितना कहाँ जाता है। सीट वाइज अगर देखें, या पहले पश्चिम दिल्ली को देख लें, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा को, तो उसमें द्वारका है, जनकपुरी है, विकासपुरी है, तिलक नगर है। इसमें भाजपा अगर 4 सीट लाने की बात है तो वो संभव दिखता है इस तरीके से, और वो मतलब कह सकते हैं कि अपर साइड में रहेगी। वो नीचे वाले में नहीं रहेगी। अकाली दल का भी इसमें बिल्कुल रोल। अब जैसे हरिनगर है, हरिनगर सीट काफी मजबूत सीट है उसकी, इवन जनकपुरी जो पूरा उसका गढ़ है एक तरह से, तो ये 2 सीट तो ऐसे ही दिखती है आपको। फिर विकासपुरी है, और उसके अलावा तिलक नगर है, तो ये सब सीटें ऐसे, उत्तम नगर में भी ठीक ठाक प्रभाव है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पश्चिमी दिल्ली की बात है वहां भाजपा अपर साइड में रहेगी। लेकिन जब बात आती है साउथ दिल्ली की, तो वहां जो दिखा रहे वहां लगता है कि आपके पास एक ठीक ठाक जो है जनमत है वहां, और साउथ दिल्ली में वो कई वजहों से है, कई चीजें हैं, लेकिन आपका आप यहाँ पर ज्यादा बेहतर आरामदायक पोजीशन में है। सबसे चौंकाने वाला नई दिल्ली का, नई दिल्ली में ये माना जाता था कि भाजपा ठीक ठाक प्रदर्शन करेगी, ठीक है सीटों में कितना कन्वर्ट होते हैं वो, लेकिन ये जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो वहाँ बहुत ही अच्छे से 8 है आम आदमी पार्टी को। आज आम आदमी पार्टी वहां पर 8 से 10 की बात बता रहा है, 8 से 10 की बात बता रहा है, एक क्लीन स्वीप जैसी बात बता रहा है। वहां ऐसी सिचुएशन नहीं थी, वहां निश्चित तौर पर भाजपा कम से कम 2 से ज्यादा, या कम से कम 2 सीटें लाने की बात लगभग लगता था, जिस तरह प्रतिशत थे वहां पर, क्योंकि उस इलाके में आमतौर पे ये सब्सिडरी वाली क्लास कम है। हाँ, तो इसलिए भी भाजपा का प्रभाव वहां लग सकता, सिर्फ इसी बात से, कोई विचारधारा और उन चीजों से नहीं। बात यह है कि वो लोग मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते और उस पर डिसाइड करने वाले होते, लेकिन नई दिल्ली चौंकाता है। पश्चिमी दिल्ली इस मायने से चौंकाता है कि अगर भाजपा वहां उतना बेहतर प्रदर्शन न करे, लेकिन जहां तक साउथ दिल्ली की बात है, वो एग्जिट पोल का जो आपका नतीजा है लगता है उसके बराबर ही रहेगा। ठीक है दधिबल जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं आप ये बाकी के 3 लोकसभा की सीटें जिसमें 30 विधानसभा की? देखिए बिल्कुल मैं संजय जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो उन्होंने पश्चिमी दिल्ली की बताई वो ठीक है, दक्षिण दिल्ली भी ठीक है, लेकिन नई दिल्ली वाला जो मामला है ये चौंकाने वाला। मैं भी इस को देख करके विस्मित था कि हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि इस इलाके में कम से कम दक्षिण दिल्ली और नई दिल्ली में, इन इलाकों में कम से कम एक ऐसा सेक्शन रहता है जो कम से कम ये सब्सिडी वाले से थोड़ा अलग है। वहाँ अफसरशाह हैं, जो है पॉलिटिशियंस हैं, मंत्री संतरी इस टाइप का, तो एक फ्री पॉलिटिक्स से जो सरोकार सीधा है, जिनका फ्री पॉलिटिक्स से सरोकार सीधा नहीं है, तो वो एक क्लास है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर
बीजेपी के लिए जो माना जा रहा था, मेरी धारणा थी कि वो बेहतर करेगी, वो चीज़ हो नहीं पाई। तो ये थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया कि वोटर किस तरफ गया और केजरीवाल ने क्या समझाया या क्या समीकरण इसमें रहा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात। विनोद जी, आप क्या मान रहे हैं, क्योंकि अब तो सब आईने की तरह साफ हो गया है। हाँ, इस एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी है, कांग्रेस शून्य है। देखिए, ये जो 7 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों का जो ओवरऑल पिक्चर आपने सामने रखी है, उससे एक चीज तो ये उजागर होती है कि आम आदमी पार्टी कंपैरेटिवली चांदनी चौक, दक्षिण दिल्ली और नई दिल्ली में बीजेपी से काफ़ी अच्छी, काफ़ी आगे है। और अगर आम आदमी पार्टी कहीं कमजोर पड़ रही है तो उत्तर पश्चिम में और पूर्वी दिल्ली में। नहीं, क्यों पड़ रही है सर, ये क्या एंटी इनकम्बेंसी है क्या? ये एंटी इनकम्बेंसी से ज़्यादा ये जो राजनीतिक समीकरण, गठबंधन और जिसको कहते हैं माइग्रेंट पॉपुलेशन का, बीजेपी जेडीयू गठबंधन की ओर जेडीयू गठबंधन या यही सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का भी जो लोकल माइक्रो लेवल पे जो पॉलिटिकल पिक्चर होती है उसका भी असर पड़ता है। और हाँ, बिल्कुल सही कहा, कैंडिडेट पे डिपेंड करता है और ये बीच का है तो एग्जैक्टली। खैर, इस सबसे माइक्रो लेवल पे अब क्या जाना, अब 3 दिन के बाद रिजल्ट आने ही वाला है। थोड़ा सा चूंकि ये थोड़ा सा हम हॉट सीट पर बात करना चाहते हैं सर, और हॉट सीट का जो डेटा इस वक्त मेरे पास है, जो तकरीबन 10 सीटें ऐसी हैं, और मैं संजय जी सुल्तानपुर माजरा से पहले शुरुआत करना चाहूँगा। सुल्तानपुर माजरा में हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के मुकेश कुमार अहलावत, बीजेपी के रामचंद्र चावड़िया, कांग्रेस के जय किशन, जो कि जय किशन पहले भी विधायक रहे हैं, और 15 में तो संदीप थे, संदीप कुमार, और कांग्रेस के जय किशन को हराया था, लेकिन इस बार संदीप की जगह मुकेश कुमार को टिकट दिया गया। हालांकि इस सीट को कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है और हैट्रिक लगा चुके जय किशन एक बार फिर से मैदान में, लेकिन क्या, चूंकि कहा जा रहा है कि जो पार्टी का अपना व्यक्तित्व कमजोर हो शीर्ष नेतृत्व, लेकिन अपना भी तो व्यक्तित्व भी तो होता है ना उम्मीदवार का, उसमें भी क्या जय किशन फिट नहीं बैठ पा रहे हैं जो कांग्रेस को हम बता रहे हैं एग्जिट पोल में शून्य है? देखिए, जय किशन का पिछले चुनाव का और उन सक्रियताओं को देखिए, जय किशन बहुत वहाँ से एक तरह से देखा जाए बड़े माने हुए और उस तरह के नेता रहे जिनको जनता ने बहुत दिया, वोट भी दिया, सब कुछ बहुत समर्थन दिया, लेकिन बात देखिए, जब पार्टी चलती है जैसे एक लहर सी चलती है, ये लहर नहीं, निगेटिव भी लहर, एक निगेटिव लहर भी, इंजन नहीं है, डब्बे ही पावरफुल, बिल्कुल कह रहे हैं आप, नहीं ये भी, ये बात तो है ही, साथ में ये भी होती है जैसे किसी की लहर चलती है, जैसे आपकी लहर चली जिसने 67 सीट ली, अब कांग्रेस में निगेटिव लहर एक तरह से, तो ये लहर जो सबका पाटा कर देती है, सबको बिछा के रख देती है उस तरह का, तो ठीक इसी तरीके से वहाँ अच्छे नेता भी हो, बहुत बेहतर, अब यही चुनाव नहीं है, हम लोग कितने चुनाव देख चुके हैं इस लोकतंत्र में, कितनी बार बहुत अच्छे नेता भी, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छे नेता, बहुत जनता में बड़े लोकप्रिय नेता रहे, लेकिन चुनाव में बाजी पलट गई, क्योंकि जब चुनाव केवल 2 दलों के बीच में हो जाए, ये निश्चित हो जाए आर या पार, यहां या वहां, तो फिर तीसरे की गुंजाइश नहीं होती, और जब ये तीसरे स्तर पर रहे, तो देखिए जब भी चुनाव उस समय हो रहा था तो एक माहौल भी था आपकी सत्ता में और लड़ाई में भाजपा, तो कांग्रेस तब आती सामने ना जब वहां पर उस इस स्तर का एक जनभावना बनती, जनादेश बनता, तो कांग्रेस भी सामने। लेकिन संजय जी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस वक्त जो सुन रहे हैं या जो एग्जिट पोल देख रहे हैं, जाहिर तौर पर निराशा होने का उनके पास जायज कारण भी है। देखिए, क्या करें, नहीं नहीं, देखिए नेतागिरी अगर करनी है तो नेता जो होता है या कार्यकर्ता जो होता है, जो आशावाद उसमें इनबिल्ट होता है, आप देखिए इसी चुनाव के बाद कुछ लोग हार जाएंगे, बुरी तरह हार जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी 10 घंटे बाद मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सामने आएंगे और बताएंगे जनता ने जो फैसला दिया मुझे शिरोधार्य है, हम मेहनत करेंगे, हम फिर उनकी सेवा करेंगे और फिर समीक्षा करेंगे, हम समीक्षा करेंगे, अंतरात्मा में झांकेंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजें
चीजें करेंगे। हाँ। तो कोई भी नेता, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नेता, हाँ। निर्दलीय नेता जो होता है जिसको हाँ। बाद में पता लगता है 100 वोट मिले, वो भी कहता है इस बार तो लगभग मैं ही जीत रहा हूं। हाँ। तो ये जो आशावाद है ना, ये आप राजनीति में लगातार कायम रहनी चाहिए, उसी से चुनाव जीते जाते हैं। और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इस आशावाद को, नेता तो जानते ही जाते हैं लेकिन जो कार्यकर्ता है उनको ये आशावाद अपने अंदर पनपाए रखना पड़ेगा। ददीपल जी, एक सीट है नजफगढ़, और नजफगढ़ सीट चूंकि जाट बाहुल्य सीट है, हरियाणा उधर लगती हुई सीट है, आउटर सीट है, और कैलाश गहलोत की प्रतिष्ठा वहां पर दांव पर लगी, और पिछला जो चुनाव था बहुत कम मार्जिन से वो जीते थे, और यहां एक त्रिकोणीय मुकाबला तो माना जा रहा है, लेकिन यहां भी हम ये देख रहे हैं कि चूंकि इस सीट पर भी हम बीजेपी को तकरीबन 3 से 4 सीटें हम दे रहे हैं, ऐसे में नजफगढ़ सीट का जो समीकरण है उसमें आपको लगता है कि चूंकि हरियाणा का जो फैक्टर है वो यहाँ पर असर छोड़ेगा, और वो असर बीजेपी के लिए भी छोड़ता हुआ दिखाई देता है खट्टर यहाँ पर, और बीजेपी ने इस पर जोर भी बहुत लगाया है इस सीट पर, अगर आप देखें अजीत खरखर यहाँ से मैदान में बिल्कुल। तो यहाँ पर लगता है हमें कि ये सीट निकल भी सकती है, क्योंकि साहिब सिंह वोट काटेंगे, साहिब सिंह बेहतर कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो जाहिर है वो वोट काटेंगे उधर, तो आपके वोट काटेंगे और निश्चित तौर पर भाजपा के लिए यहाँ फायदेमंद, भाजपा के लिए वहाँ से एक ऑक्सीजन मिलता हुआ दिख रहा है। वही यही तो सवाल है, जहाँ पर कांग्रेस मजबूत हो रही है वहीं पर बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो ये जो बीजेपी 17 से 23 सीटें ले रही है अगर संजय जी, तो हम ये कहें कि ये वो सीट है जहाँ पर कांग्रेस मजबूत है। नहीं नहीं, देखिए सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता अनूप जी, इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए वोट बैंक उसका तकरीबन कितनी सीटों पर एक कहा जा सकता है सर, कितनी सीटों पर एक कहा जा सकता है। देखिए ये तो ही है कि जहां पर कांग्रेस ज्यादा, देखिए ओपनिंग में मैंने कहा था कि ये जो पोलिंग परसेंटेज है ये किसी एक पार्टी के लिए ये संकेत दे रहा है कि वो पार्टी जरूरत से ज्यादा कमजोर हो रही है। अच्छा, मैंने शुरू में ही कहा था 10% का वो 8-9% का जो हो रहा था, और वो पार्टी आपके सर्वे में दिख गई एग्जिट पोल में कि वो कांग्रेस पार्टी है, और जाहिर है कि कांग्रेस का वोट बैंक भाजपा की तरफ बहुत कम शिफ्ट होगा, और आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। 2015 में भी यही हुआ था, कांग्रेस का सारा वोट उधर शिफ्ट हुआ, और उस बार चूंकि आंदोलन और उस सब चीजों की वजह से तो भाजपा का भी कुछ और शिफ्ट हो गया, तो आम आदमी पार्टी की लहर हो गई, और इस बार क्या हुआ कि भाजपा का वोट बैंक जो इंटैक्ट 30-35% वाला वो रहता है बीच का, तो भाजपा ने मजबूती से लड़ा, तो भाजपा का वो वोट लौट रहा है उसकी तरफ, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से लूजर रही है, कांग्रेस तो उसका वोट शिफ्ट होकर के आप में दिखाई दिया चला गया, वो अपना वोट नहीं लेकर। और संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ जैसे मटियाला में ही देख लीजिए, गुलाब सिंह जो लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जहाँ भी कांग्रेस जो है थोड़ी सी भी लगता है कि उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय स्तर पर अपना जो उम्मीदवार की अपनी ताकत है वो ताकत लगाएगा, तो निश्चित तौर पर वो अपनी ताकत लगाएगा, लेकिन फायदा उधर भाजपा को होगा। जो ये दो ध्रुवीकरण जो मामला है, ये कांग्रेस जो कह रही है वो उतना गलत भी नहीं कह रही है कि जब एकदम दो ध्रुवों में लड़ाई हो रही है तो बिल्कुल खाली हाथ हो जा रही है। और ये पहले भी देखा गया, पहले भी यही समीकरण चलता आ रहा है, अब ये समीकरण और ज्यादा मजबूत हो गया। तो इस तरह से कम से कम मेरा अनुमान है कि कम से कम 6 से 7 सीटों पर ऐसी स्थिति है, कांग्रेस मजबूत कहीं मतलब, लेकिन जो मतलब तकरीबन 8 से 10 सीटें नहीं सर, 8 से 10 सीटें हम ये मान के चले कि अगर आम आदमी पार्टी हार रही है उसकी एक बड़ी वजह कांग्रेस है। हाँ निश्चित तौर पर ठीक है, कांग्रेस सीट है, एक सीट है विनोद जी बल्लीमारा, यहां से चूंकि हारून यूसुफ भाई कद्दावर नेता मंत्री रहे शीला सरकार में, शीला दीक्षित के करीबी, वहां से इमरान हुसैन वो भी अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं, और इन सब के बीच हैं लता सोढ़ी, यहां भी मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है, और यहां पर भी कमोवेश वही स्थिति है कि यहां कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो भी हैवी है, और इमरान हुसैन तो अपने आप में, तो ऐसे में यहां भी क्या मानकर चले विनोद जी की स्थिति कमोवेश वही मुनाफे में बीजेपी? मुश्किल लगता है वैसे ये कहते हुए देखते हुए कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का कैंडिडेट दोनों मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम जो सीट भी मुस्लिम शेयर करेंगे उनके वोट्स को, तो बीजेपी को फायदा मिलना चाहिए थ्योरेटिकली, लेकिन ऐसा मुझे लगता है होगा नहीं फिर भी। अच्छा ददीपल जी, कोई इसका कोई मतलब प्लॉजिबल रीजन तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं, मेरा मानना है कि वो दोनों बड़ा नजदीकी मामला है। अच्छा। अब चूंकि शोएब इकबाल चले गए हैं आम आदमी पार्टी में,
तो उनका भी उस इलाके में आसपास की सीट है तो कुछ ना कुछ असर उनका भी रहेगा। और देखिए वो जो एक पार्टिकुलर वोट बैंक है जो आम आदमी कभी कांग्रेस का हुआ करता था वो माइनॉरिटी का वोट। लेकिन, तो लेकिन सर हारून यूसुफ भी तो भाई पुराने आदमी हैं कांग्रेस के। पुराने आदमी से नहीं होता सर। अच्छा। हारून यूसुफ देखिए हारून यूसुफ पिछली बार नहीं थे क्या? हारून यूसुफ शीला दीक्षित बड़ी कद की नेता थी, उनके आड़ में सबकी नेतागिरी चमक गई। ओके ठीक है ओके। और अदरवाइज ये जितने लोग हैं अब देखिए ना क्या हो रहा है, उसके बाद से पिछली बार सब ढह गए बड़े तो बड़े किले, नेता गिनने लगेंगे तो इस बार देखिए सारे ढह गए इस एग्जिट पोल में, और यही पिक्चर अगर आने जा रही है जिसकी ज्यादा संभावना है। संजय जी आप भी क्या मान रहे हैं कि इस बल्लीमारान सीट पर अगर बीजेपी को फायदा होता है तो उसके पीछे की बड़ी वजह कांग्रेस खुद है, कांग्रेस है क्योंकि इमरान हुसैन एक तरफ आम आदमी पार्टी से दूसरी तरफ हारून यूसुफ है। देखिए भाजपा ने जब इंटरनल सर्वे अपना कराया था तो कहा था कि कई जगह कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और वो पहले की बात थी। ये भाजपा के लिए बड़ा आशान्वित करने वाला मामला था कि कांग्रेस का मजबूत होने का मतलब उसका फायदा होना है, ये कोई वो निगेटिविटी नहीं थी कि कांग्रेस मजबूत है। और ये देखिए बहुत सीधा गणित है कि कांग्रेस मजबूत है तो भाजपा को फायदा होना ही होना है। ठीक है कितना डेंट पहुंचता है, कितना नुकसान पहुंचता है, कितना वोट स्विंग होता है, इस पर निर्भर करता है कि जीत कितनी नजदीकी होगी या हार हो जाएगी, ये अलग बात है। लेकिन निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा, जब पोलराइजेशन होगा एक तरफ तो दूसरी तरफ भी होगा, और जब एक तरफ वोट जाएंगे तो वो उनका असर दूसरी तरफ इलाकों में। हम ये क्यों भूल जा रहे हैं कि तीन तलाक जैसा इशू भी जो है, देखिए सब अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से अपना असर डालती हैं। अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि महिलाएं भूल जाएंगी एक तलाक कानून। सर ये भी फैक्टर है क्या यादव सर कि एक तरफ इमरान हुसैन पुरुष हैं दूसरी तरफ हारून यूसुफ पुरुष हैं, बीच में लता सोढ़ी महिला हैं, ये भी एक असर डाल देगा क्योंकि ट्रिपल तलाक की आपने बात की है। हाँ हो सकता है। ये देखिए कई बार कैंडिडेट जो है वो अपनी बात से मतदाता को कन्विंस किस हद तक करता है, ठीक है वो चीजें बड़ा मायने रखती है। एक सीट है सर चांदनी चौक, यादव सर चांदनी चौक सीट पर बड़ा दिलचस्प ये हुआ है कि कांग्रेस का आम आदमी पार्टी में और आम आदमी पार्टी का कांग्रेस में, और बीच में सुमन कुमार गुप्ता एक बार फिर से चुनाव मैदान में ताल ठोंक रहे हैं और आज उनकी भी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है। इस सीट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? चांदनी चौक का भी हमने अभी लोकसभा का भी दिखाया वहां की 10 सीटों में, और उसमें भी कांग्रेस तो शून्य है। कांग्रेस शून्य है इसीलिए कांग्रेस का वोट निकल के जाएगा, बीजेपी की तरफ जा रहा है और चांदनी चौक के इलाके में नहीं सवाल मेरा सर इसलिए चूंकि अलका लामा का भी अपना एक कद सियासत में और प्रहलाद सिंह सानी चूंकि चार बार के विधायक तो उनका भी अपना एक कद तो बना होगा, लेकिन कद में तो यहाँ पार्टी की अदला बदली हो गई है। देखिए प्रहलाद साहनी जो है उनकी ठीक है पार्टी की अदला बदली हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी विश्वसनीयता अलका लामा के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अच्छा प्रहलाद साहनी की क्यों कैसे? और कामकाज के लिहाज से और अच्छा। चीजों के लिहाज से पार्टी तो सर दोनों ने बदली है ना? नहीं पार्टी बदली है पार्टी बदली है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि किसने कितनी बार बदली और कब कब बदली, तो वो भी देखना पड़ेगा। और कई बार होता है कि आपने पार्टी बदली, पार्टी बदलना कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। अच्छा बागपत में अजीत सिंह इतनी पार्टियां बदलते थे लेकिन जब तक उनकी लहर थी उनका कद था तब तक वो जीतते गए, और उसके बाद जब वो सिर्फ आरएलडी ही अपना बना के रह गए तो पिछले 2 बार से हारते जा रहे हैं। लेकिन संजय सर ये क्या बड़ा आसान रहता है? आपने तो बहुत सारे ऐसे नेताओं को देखा होगा, थोड़ा सा मैं अनुभव के लिहाज से पूछना चाह रहा हूँ कि नेताओं के लिए क्या बड़ा आसान होता है कि अभी कल तक किसी और पार्टी में थे आज किसी और पार्टी में और फिर वही हाथ जोड़कर फिर वही वोट मांगना, पब्लिक क्या जुड़ पाती है क्या, इतना सरल होता है क्या ये? इसमें मैं कहूँ ये बहुत दिलचस्प है, मैं बिहार का उदाहरण दूँ, बिहार में ऐसे बहुत से हर जगह होते हैं, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि साहब हम तो पार्टी के लिए या अपने जो समर्थक हैं पार्टी में शामिल नहीं होते हैं लेकिन गली चौबारे पर बहस करते हैं, तो कोई कांग्रेस का है कोई किसी और पार्टी का है, वो उसके लिए कट मरता है कि साहब हमने ये किया, लेकिन वो देखता है अगले दूसरे दिन जिस दिन वो ऐसी बात कर रहा है उसका नेता तो दूसरी पार्टी में चला गया, फिर वो लोग उसके मजाक उड़ाते हैं। भीष्म शर्मा का उदाहरण है या शोएब इकबाल का उदाहरण है या फिर राम सिंह नेताजी का उदाहरण, लोग कल आए और आज टिकट लेके, और अब वो जमाना नहीं रहा कि चौक चौराहे पर लोग जुटे और चाय खाने पर जुटे और बहस हो, उस तरह के जमाने नहीं है, लेकिन तब लोग बाकायदा मजाक उड़ाते थे कल तो तुम ये कह रहे थे आज तुम्हारे साथ ये हो गया वगैरह वगैरह, ऐसे में क्या
तब देखिए बूथ जो कैप्चरिंग और तमाम चीज़ें तब हुआ करते, हालांकि ईवीएम के बारे रुका, लेकिन तब जो आक्रामक चीज़ें हुआ करते थे, कट मरते थे और लूट लेते थे अपनी पार्टी के लिए करने के लिए, फिर वो भी समझ गए कि हम जो अपना सारा लगा देते हैं, गोली खाते हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन नेता इधर से उधर चले जाते हैं। पब्लिक कैसे जुड़ती है फिर इनसे? तो पब्लिक को देखिए, पब्लिक एक तो देखती चेहरा, आप कई बार देखें कि चेहरा ऐसा भी होता है जिसके पीछे बहुत से आरोप लगे हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो जीत जाते हैं। हरियाणा में देख चुके हैं और भी जगहों पर देख चुके हैं। यहाँ भी ऐसा होता है कि चेहरे को देख करके, पार्टी को देख करके वोट देने की बात होती है। अलका लांबा की जहां तक बात है, वो एक बेहतर चेहरा है पार्टी के लिए, आप पार्टी के लिए थी, फिर कांग्रेस में गई, उनका एक ऐसा फेस है जो टीवी पर दिखता है, प्रचार में दिखता है, लेकिन प्रहलाद सहनी का जो जमीनी स्तर पर काम दिखता है, और जो सुमन गुप्ता है वहां पर, तो उनका अपना अलग एक तरह से पकड़ है। तो उनका एक अलग पकड़ है। अब अगर दो लोग टकराएंगे, वही दुधरी जो राजनीति है उसमें जैसे कांग्रेस का नुकसान हो रहा है, उसी तरह कांग्रेस और आप टकराती है तो भाजपा को फायदा हो सकता है। अब वो वही मैंने कहा कि कितने स्तर पर है, जो आपको कितना मिलता है, प्रहलाद सहनी को ज्यादा बेहतर वोट मिलते हैं तो जाहिर है अलका लांबा और भाजपा के लिए होगा, लेकिन यहाँ भाजपा के लिए यहाँ थोड़ा सा मार्जिन बचता है, लेकिन सुमन गुप्ता सीट निकाल ले जाएं, ये बड़ी मतलब थोड़ी सी टफ चीज होगी, लेकिन निश्चित तौर पर उनको फायदा मिलेगा। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के मजबूत हैं, इसलिए फायदा बीजेपी को सकता है इस सीट पर? नहीं नहीं, वही मैंने कहा कि देखिए हो सकता है, ये निश्चित तौर पर हो सकता है, जब आंकड़े जो कहते हैं और उसके बाद जो नतीजे आते हैं बहुत अंतर होता है। विनोद जी, एक सीट है सीलमपुर, हमने सीए को लेकर बहुत सारी बातें की, और सीलमपुर सीट पर हम देख रहे हैं मतीन अहमद का भी कमोवेश वही कद है, 93 के विजेता और उसके बाद कई बार के एमएलए, लेकिन हाँ 13 में वो जीत गए, लेकिन 15 में उनका भी पत्ता वहां से साफ हो गया। लेकिन इस बार नया ये हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने भी कैंडिडेट बदल दिया, पार्षद को टिकट दिया है अब्दुल रहमान को, हाजी श्राक का अपना विरोध, और उसके बाद उन्हें मनाने की कोशिश की गई, मनाने का दावा भी किया गया, लेकिन बीजेपी ने यहां से कौशल मिश्रा को टिकट दिया है। क्या आपको लगता है कि ये भी वो सीट है जिसे हम कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो उसका एक बड़ा कारण कांग्रेस होगी? हाँ, क्योंकि जो जी कैचमेंट एरिया है वोट का, वो दोनों का एक जैसा है, कांग्रेस का भी, और तो अगर जो है मतदाता, जैसे कि कहते हैं, मैं पहले कह रहा था कि अगर मतदाता ये सोच के चलता है हमें बीजेपी को हराना है, तो वो सोच लेंगे कि कौन कैंडिडेट बेहतर परफॉर्म करने की स्थिति में है आज, उसको वोट दे दिया जाए। तब तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, अदरवाइज मिल सकता है। एक बात मैं और भी ये कहना चाहता हूँ कि जो जनरल सेंटीमेंट है, जैसे कि चर्चा हो रही थी कि अलका लांबा ने भी दल बदल किया था और प्रहलाद सहनी ने भी दल बदल किया था, तो दोनों को इक्वेट करके देख रहे थे। हाँ। लेकिन अलका लांबा ने उस जहाज पे गई जो डूब रहा था, अच्छा, और प्रहलाद सहनी उस जहाज पे गए जो मतलब जो काफी मजबूती से चल रहा था, सफर कर रहा, तूफान से टकरा रहा था। या कहने का मतलब ये है कि ये जो जनरल सेंटीमेंट है पॉलिटिकल इस समय, उसका फायदा, तो 2015 में अलका लांबा का फैसला सही था और ये तो खैर 11 तारीख को पता चलेगा। लेकिन दधिबल जी, ये सीलमपुर सीट पर आप थोड़ा सा बताइए, सीलमपुर का जो ये मुकाबला है, क्या इसमें भी बीजेपी के लिए गुंजाइश दिखाई दे रही? बीजेपी ने कौशल मिश्रा को टिकट दिया है मुस्लिम बाहुल्य सीट से। देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। हाँ, बीजेपी को बजाय हो सकता है कि वो एक तरफा जो है वो सीधा चला गया हो शिफ्ट करके। कई बार होता है कि लोग जुड़े रहते हैं, मतीन अहमद ने वहाँ लंबे समय तक काम किया। हाँ, लेकिन सीए का जो विरोध हुआ है तो उसकी चिंगारी वहाँ भी लगी थी। हाँ थी, और तमाम सारा वो सब जो कुछ हुआ वहाँ भी दंगा फसाद होते होते बचा, तो ये सब चीज़ें जो हुई हैं वो अपना असर तो डालेंगी, लेकिन वोट की शिफ्टिंग का जहां तक है, माइनॉरिटी के वोट का जहां तक बात है, वो मतीन के जो बहुत खास होंगे वो उनकी तरफ जरूर जाएंगे, लेकिन एक बड़ा सेक्शन जब उसको लगेगा कि नहीं ये नहीं निकल सकते हैं तो वो आम आदमी पार्टी पर शिफ्ट कर जाएगा। चूंकि समय की कमी है हमारे पास, बहुत जल्दी जल्दी सर, मॉडल टाउन संजय सर एक सीट है, और मॉडल टाउन कपिल मिश्रा की सीट है। कपिल मिश्रा जो करावन नगर से लड़े थे, उनको बहुत दूर मॉडल टाउन भेज दिया, जहां मतलब नदी पार करके भेज दिया, एक तरीके से नदिया के पार चले गए वो। और
सबसे ज्यादा अगर कोई सुर्खियों में रहा इस चुनाव में तो कपिल मिश्रा रहे हैं। कपिल मिश्रा का मुकाबला कांग्रेस के 3 बार के विधायक रहे कुंवर करण सिंह की बेटी आकांक्षा ओला से है, और बीजेपी से कपिल मिश्रा हैं ही मैदान में, और आम आदमी पार्टी से अखिलेश पति त्रिपाठी। इस मुकाबले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? यहाँ क्या कांग्रेस उस स्थिति में है कि फायदा पहुंचा सके बीजेपी को या कपिल मिश्रा को? देखिए, यहाँ पर जो कपिल मिश्रा इतनी सुर्खियों में रहे, चीज़ें रहीं इनके साथ, तो उसको वो वोट में कितना कन्वर्ट होता है? कई बार क्या होता है कि बहुत प्रचार हो जाता है आपका और वो दुष्प्रचार में भी गिन लिया जाता है, प्रचार में भी गिन लिया जाता है। लेकिन जहां तक मतों के ध्रुवीकरण की बात हो, यहां पर अगर कपिल मिश्रा जीतते हैं तो बहुत ही मार्जिनल वोट से जीतेंगे, क्योंकि यहां जो भी फायदा होगा आपके साथ, आपका कैंडिडेट जो है वो बहुत, कह सकते हैं ना कि मैं बहुत मजबूत तरीके से, नहीं उधर कांग्रेस को कुछ वोट मिलेंगे, इन दोनों को मिला करके जो वोट बटेगा उसमें मुझे लगता है कपिल मिश्रा को फायदा हो सकता है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये समझिए बहुत मार्जिनल। और अगर मैं वैसे देखूं पूरे आंकड़ों और उसके हिसाब से, तो कपिल मिश्रा के लिए बहुत टफ फाइट होगी। अच्छा, संगम विहार एक सीट है दधिबल सर, और संगम विहार सीट पर भी मुकाबला त्रिकोणीय है। एक तो इस सीट को चूंकि जेडीयू के लिए छोड़ा गया और जेडीयू से एससीएल गुप्ता मैदान में, तो दिनेश मोहनिया है, लेकिन कांग्रेस ने कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम आजाद को टिकट दिया। कीर्ति आजाद जिन्हें कांग्रेस में शामिल कराया गया था, लगा था बड़ी जिम्मेदारी देगी, लेकिन उनका उस तरीके से हमने देखा दिल्ली के चुनाव में सदुपयोग हुआ नहीं। इस सीट पर आप क्या मुकाबला देख रहे हैं कि पूनम आजाद वो चुनौती दे पाएंगी कि मुनाफा जेडीयू के उम्मीदवार को मिल जाए? देखिए, पूनम आजाद पहले भी नई दिल्ली से शीला दीक्षित के मुकाबले एक बार लड़ चुकी हैं चुनाव, और अब वहाँ से लड़ रही हैं। बहुत ज़्यादा हमको वहाँ चीज़ें लग नहीं रहा कि इस तरह से बहुत कुछ होगा। उधर से बीजेपी ने जेडीयू को उतारा जरूर है, लेकिन दिनेश मोहनिया का हमें लगता है कि उनका प्रभाव वहाँ ज़्यादा होगा, और दिनेश मोहनिया के फेवर में ये सीट जा सकती है, ऐसा हमें लगता एक, है। एक सीट है विनोद सर कालका जी, और कालका जी चूंकि पंजाबी और सिख बाहुल्य सीट है, और इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने आतिशी को उतारा है। आतिशी लोकसभा चुनाव हाल ही में हारी हैं 2019 का, लेकिन एजुकेशन में कहा जाता है कि जो बदलाव दिल्ली में हुआ है, जिसका दावा आम आदमी पार्टी की सरकार करती है, उसके पीछे कहा जाता है कि आतिशी हैं। और इसी सीट से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष चोपड़ा, उनकी बेटी शिवानी चोपड़ा मैदान में, तो बीजेपी ने अपने पार्षद धर्मवीर सिंह को उतारा है। क्या यहां लग रहा है कि चूंकि सुभाष चोपड़ा की बेटी हैं शिवानी चोपड़ा, तो उस तरीके से फाइट आम आदमी पार्टी को देंगी कि वोटों के इस ध्रुवीकरण के खेल में बीजेपी को मुनाफा ले जाए? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट है इस सीट पर जो है, और तीनों ही कैंडिडेट बड़े ही मतलब अच्छी मजबूत स्थिति में हैं, तो इस पर बड़ी दिलचस्पी बनी रहेगी कि असल में होता क्या है। बिल्कुल, आतिशी का जो साख है, हाँ, ये तो सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है उसमें काफ़ी अच्छा योगदान कंसल्टेंट के रूप में इनका रहा है, लेकिन चूंकि एक सलाहकार, एक विधायक, हाँ, की फाइट कैसे, ये लेकिन तो है जनता तक पहुंचने, हाँ, में जो उनको, क्योंकि सियासत अब बहुत अलग, हाँ, चीज है, जनता और जनता तक पहुंचने, हाँ, उनसे संवाद कायम करने, उनको प्रभावित करने, वो एक अलग खेल होता है। ठीक है, जो सड़क से जुड़े हुए पॉलिटिशियन है वो ज्यादा जानते हैं। ठीक है सर, तो लेकिन शिवानी चोपड़ा को, हाँ, कोई ऐसा वो नहीं है, सिवा सिर्फ जो है कि उनके पिताजी जो है कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उसकी वजह से जो है उनको जो है टिकट मिली हुई है, हाँ। तो मैं कांग्रेस को कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे मत मिलने वाले हैं मैं मान के नहीं चलता। सीधी टक्कर आतिशी धर्मवीर सिंह के बीच में होगी। अच्छा, ठीक है ददबुल सर, एक सीट है बदरपुर, और बदरपुर इसलिए दिलचस्प हो गई है, राम सिंह नेताजी अचानक से वो आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं और फिर टिकट भी ले जाते हैं, और लेकिन जो सिटिंग एमएलए यानी कि एनडी शर्मा जो आम आदमी पार्टी जीते थे वो बीएसपी से चुनाव मैदान में, अभी उन पर हमला भी हुआ है कल, और कांग्रेस से प्रमोद कुमार यादव और बीजेपी से रामवीर सिंह बिधुड़ी, यहाँ के मुकाबले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये बदरपुर का भी बहुत इंटरेस्टिंग है, रामवीर बिधुड़ी और राम सिंह नेताजी दोनों बहुत हैवी वेट हैं, और तीसरा जो, तो इन तीनों के बीच में फाइट तो है ज़बरदस्त, लेकिन ये दोनों कितना उसका कन्वर्जन किस तरफ होता है, ये बड़ी बात है। हाँ, रामवीर बिधुड़ी नहीं, एनडी शर्मा क्या नुकसान पहुंचा पाएंगे कुछ आपको लग रहा है? बीएसपी से चुनाव मैदान में बीएसपी का अपना, अब हालांकि क्षेत्रीय पार्टी, देखिए एनडी शर्मा बहुत, हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे, और वहाँ इन दोनों में से, चूंकि कांग्रेस तो कहीं है नहीं, तो
ये जो राम सिंह नेताजी हैं ये उटकटवा की भूमिका वहाँ निभाएंगे और हाँ। इन सब की लड़ाई में हाँ। जो है हाँ। विधुड़ी जो है वो ऐसा ना हो कि फायदे हाँ। में वो रहें। हाँ, चूँकि अब हम समय बहुत कम बचा हुआ है, ऐसे में संजय सर कांग्रेस पर हालांकि काफ़ी बात हो गई लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो स्थिति है, और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि हर लड़ाई कोई भी हो, नेता की हो, कार्यकर्ता की हो, लेकिन हार जीत होती रहती, झाड़ पोछ के फिर खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस भी क्या दिल्ली में खड़ी हो जाएगी झाड़ पोछ के मतदाताओं के दिल में? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के पास एक लेगेसी तो है, कांग्रेस के पास एक जड़ तो है। आप देखें कि कोई अगर पौधा ऐसा है जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक बहुत तय नहीं है ना, बस कमी नर्चर करने की है, खाद की है, उसको देखभाल करने की है। कांग्रेस जिस तरह से दिख रही है शून्य, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए है। अगर कांग्रेस, हाँ, अगर निश्चित बात है कि ये भी एक तरह का एक प्रकल्प है, एक तरह का आयोजन है, सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें होती है। अगर कांग्रेस ने फिर से नहीं किया, आपने को जगाया नहीं, तो बात अलग है, वरना कांग्रेस को पूरी आशा रखनी चाहिए कि वो इस, क्योंकि ये राजनीति यही हाँ। तक है, ये जो आप अभी आप देख रहे हैं भाजपा और उस पर जो चीज़ें की गई हाँ। यहाँ पर चाहे आपके साथ चाहे भाजपा ने की, दोनों का एक तरह से सैचुरेशन पॉइंट आ सकता है एक दो, उसके बाद आप कितना फ्री देंगे या आप कितने हिंदू मुसलमान करेंगे, तो इसका एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, लौट करके जनता राजनीति पर आएगी, और जब राजनीति पर आएगी तो कांग्रेस के साथ भी आ सकती है। कांग्रेस यानी कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है और आशावान बने रहना चाहिए, और सियासत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जहां नेता बनना है तो आशावादी होना पड़ेगा, ये इसकी अनिवार्य शर्त है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव जी आपका, ददबल यादव जी आपका, और विनोद वाष्णे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये टोटल टीवी का एग्जिट पोल, और इस एग्जिट पोल में हम ये बता रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी 47 से 53 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल में। भारतीय जनता पार्टी 17 से 23 सीटें ले रही है। कांग्रेस शून्य, आदर्श शून्य, यही इस एग्जिट पोल का नतीजा है।